फोर्थ जो पर्सन था या ऑर्गेनाइजेशन था स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वो है रिसाइक्लर। तो यहाँ पे जो भी बैटरीज रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स में आती है या फिर कंपोनेंट्स रिसाइक्लेबल है, तो वो रिसाइक्लिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑथराइज रिसाइक्लर की है। तो ये ऑथराइज रिसाइक्लर या रजिस्टर्ड रिसाइक्लर बनने के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबमिट करनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। तो उसके लिए आपको फॉर्म 2C यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, और जो एनुअल रिटर्न है वो फॉर्म 1 में आपको फिलअप करना पड़ेगा, और उसके जो डेट से 30 जून और 31 दिसंबर है। उसके बाद में जो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स है या जो बैटरीज या कॉम्पोनेंट्स है, उसकी क्वांटिटीज है या मेटल्स है, उसके जो कॉम्पोजिशन है, ये सभी बातें आपको यहाँ पे मार्क करनी पड़ेगी। तो ये रिसाइकल्ड बैटरीज है ये आपको क्लियरली मार्क करना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा या कंज्यूमर को या बल्क कंज्यूमर को पता चलेगा कि ये रिसाइकल बैटरीज है। तो ये मार्किंग करना नेसेसरी है, ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसाइकलर की। और जैसे अभी हमने पहले जो कंपोनेंट्स के बारे में कहा था, सिमिलर लाइन पे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस थ्रू भी आपको ये अलग अलग जो हेवी मेटल्स यहाँ पे यूज होते हैं, उसके जो हजार्ड से उसके जो हेल्थ इम्पैक्ट है, ये अवेयरनेस करना जरूरी है। तो ये रिसाइकलिंग की वजह से भी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सभी बातें आपको कंज्यूमर्स या बल्क कंज्यूमर्स को या पब्लिक को भी बतानी है। तो इसके रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके लिए जो कंडीशंस है या फिर टर्म्स है, ये सभी बातें आपको CPCB और जो एजेंसीज है वो एजेंसीज आपको बताएगी। उसके बाद में ही आपको रिसाइकलिंग के लिए वो ऑथराइज रिसाइकलर करके रजिस्ट्रेशन करके मिलेगी। तो यहाँ पे सेंट्रल रिसाइकलिंग फैसिलिटीज जो है, तो ये उसका नॉर्मली कैपेसिटी जो है 10,000 टन्स पर ईयर, ये आपको सेंट्रलाइज जो हम कहेंगे रिसाइकलिंग फैसिलिटीज के लिए कैपेसिटी हो सकती है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल को अगर आपको कंट्रोल करना है और ये अफोर्डेबल भी होना चाहिए, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव फाइनलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको ये कैपेसिटी दी गई है। तो अगर आपका सेंट्रल रिसाइकलिंग फैसिलिटीज का प्लान है, तो यहाँ पे आप 10,000 टन्स पर ईयर तक आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर या बल्क कंज्यूमर, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्पेसिफिक। तो ये जो भी आप बैटरीज यूज करते हैं, तो ये बैटरीज के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। जो भी आपको सेल करते हैं वो सेलर्स के भी डिटेल्स आपके पास चाहिए, और जो भी आपके जो टैक्सेस है, जैसे कि यहाँ पे GST है या फिर इनवॉइस है या फिर पेमेंट्स के, ये मेथड्स थ्रू ही आपको ये जाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी कहा है 31(3)F या फिर 31(3)G जो CGST के एक्ट है, उसके रूल के हिसाब से ही ये डीलिंग होनी चाहिए या फिर ये परचेस होनी चाहिए। ये जो बल्क कंज्यूमर्स है, जो मेनली लार्ज क्वांटिटी में बैटरीज खरीदते हैं, तो यहाँ पे ये SPCB ऑथराइज या रजिस्टर्ड बल्क कंज्यूमर होने चाहिए। क्योंकि इतने सारे बैटरीज आपको क्यों लगती है, इसका क्लैरिफिकेशन उनको भी क्लियर होना चाहिए, और ये यूटिलाइज करने के बाद आप उसका क्या करते हैं उसके डिटेल्स भी होने चाहिए। ये सभी बातें का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि एनवायरमेंट पे इनवर्स इम्पैक्ट जो होता है या जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है उसको आपको कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसलिए आपको ये सभी बातें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। तो ये अगर आपको रजिस्टर्ड बल्क कंज्यूमर आपको बनना है, तो उसके लिए भी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एनुअल फाइल रिटर्न करना है फॉर्म नंबर 1 में, और यहाँ पे GST एक्ट के जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट या ऑक्शन थ्रू भी बैटरीज सेल कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स होते हैं उसके थ्रू ही आप ये जो बैटरीज है वो परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्शनर। तो यहाँ पे जो ऑक्शन करने वाले हैं यानी कि बैटरी का सेल करने वाले, तो ये भी ऑथराइज पर्सन होते हैं, तो इसके लिए भी आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, और तभी आप रजिस्टर्ड ऑक्शनर बन जाएंगे, और उसके बाद में आप जो ऑक्शंस है वो ऑक्शंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एनुअल फाइल रिटर्न करना है फॉर्म नंबर 1 थ्रू, और जो भी आप ऑक्शन करेंगे, कितनी बैटरीज आपके पास है, कितनी बैटरीज आपने सेल की,
किस दिन सेल की कितने अलग अलग वो कॉम्पोजिशन थी, ये सभी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन रखना है। और जब भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उनको ये इंस्पेक्शन थ्रू आपको दिखाना भी है। उसके नेक्स्ट है इम्पोर्टर। तो जो भी बैटरीज आप इम्पोर्ट करते हैं तो ये इम्पोर्ट करने के लिए आपको पहले सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अप्लाई करना होगा फॉर्म 2C से। और नॉर्मली आपको जो परमिशन मिलता है वो 5 ईयर्स के लिए मिल जाता है और उसके बाद में वो कैंसलेशन होगा, या फिर अगर बीच में ही कुछ रीजंस की वजह से अगर ये कैंसिल होता है तो आपको वापस से फॉर्म 2C में अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी आप रजिस्टर्ड इंपोर्टर बन जाते हैं उसके बाद ही आपको ये बैटरीज इंपोर्ट करने का परमिशन मिलता है। फिर आपका जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल है कि अगर इनकेस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बैटरीज ओरिएंटेड, या फिर रिफ्यूजल होता है आपके रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का, तो आप अपील भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेंबर सेक्रेटरी जो होता है सीपीसीबी का, उसको अपील करना पड़ेगा और आपको राइटिंग में भी ये देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है या फिर आपको रिजेक्ट क्यों गया है और इसका क्लैरिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट है अथॉरिटी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज या उसके जो मेंबर्स है इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स भी रहते हैं, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्पेसिफिक? तो जो भी आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं तो ये एग्जैक्टली कंप्लाई होते हैं नहीं, ये सभी जो मेंबर्स है, जैसे कि हमने रिसाइक्लर की बात की, डीलर्स की बात की, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर की बात की, इंपोर्टर की बात की, तो ये सभी लोगों ने ये सभी रूल्स फॉलो करना चाहिए। इस पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये सभी लोगों ने एनुअल फाइल रिटर्न करना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फिर जो फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऐसे जो डीलर्स होंगे या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे उसको भी आपको ध्यान रखना है, और उसके डिटेल्स आपके पास चाहिए, उसके एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स या कॉन्टेक्ट नंबर्स, और ये सभी लोगों के या ऑर्गेनाइजेशंस की आपको पीरियोडिक मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई कलेक्शन सेंटर है या फिर डिसमेंटलिंग प्रोसेस है या फिर डिस्पोजल फैसिलिटी है या फिर आप कंपोनेंट को रिसाइकल कर रहे हैं, तो ये सभी फैसिलिटीज जो रूल्स है उसके जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से चल रही है या नहीं, या फिर यहाँ पे कोई एनवायरमेंट पे एडवर्स इंपैक्ट होता है या नहीं, ये सभी आपको मॉनिटरिंग थ्रू चेक करने की जो फैसिलिटीज है ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स या रिप्रेजेंटेटिव है उनको है। उसके अलावा जो हमने बात कही थी परचेसिंग की या डीलिंग की, तो ये सभी बातें जीएसटी के पोर्टल पे अवेलेबल है या नहीं, या फिर जीएसटी के एक्ट के थ्रू ये सभी पेमेंट्स हो चुके हैं या नहीं, ये भी आप क्रॉस करना है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए ये बहुत सारी बातें हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है या अपेक्स बॉडी है जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी। तो जो भी कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे रहेंगे ये सभी कॉम्पोनेंट्स का कभी भी आप रजिस्ट्रेशन आप सैंक्शन कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं, आप उनके फैसिलिटीज का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो भी आपको गाइडलाइंस बताई गई है उसके जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होते हैं नहीं, या फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो फैसिलिटीज के लिए वो यहाँ पे फॉलो होती है नहीं, ये सभी बातें यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स चेक कर सकते हैं। तो अगर लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी होती है या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं तो उसके लिए आप सजेशंस क्या देंगे, एडवाइसेस क्या देंगे, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फ्यूचर ट्रेंड है उस हिसाब से आपको भी कुछ गाइडलाइंस या एडवाइसेस देने होंगे। तो ये कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स या फ्यूचर बैटरीज जो आती है या फिर कुछ बैटरीज ओरिएंटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर डिस्पोजल ओरिएंटेड कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ये सीपीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए चाहे तो आपको अलग अलग सेंटर्स या लोकेशंस पे R&D एक्टिविटी भी करनी चाहिए। और जो भी हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में बात कही है तो प्रोड्यूसर को ऑथराइजेशन देना ये भी सीपीसीबी की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है कलेक्शन सेंटर्स। तो जो भी आपकी बैटरीज है वो चाहे रिसाइकलेबल बैटरीज हो या रिसाइकलेबल कॉम्पोनेंट्स हो या फिर यूज्ड बैटरीज हो
या फिर डैमेज बैटरीज होंगी, तो ये सभी बैटरीज का कलेक्शन सेंटर एक ही जगह हो सकता है और यहाँ पे उसके मेंटेन करना पड़ेंगे आपको रिकॉर्ड्स फॉर्म सिक्स में। और ये कितनी बैटरीज कलेक्ट हुई है, किस टाइप की बैटरीज कलेक्ट हुई है, ये यूज बैटरीज है, रिसाइक्लेबल बैटरीज है, या फिर सिर्फ कॉम्पोनेंट रिसाइक्लेबल है, या फिर ये डैमेज पीस है, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाला पीस है, ये जो भी होगा ये आपको सभी बातें मेंशन करना पड़ेगी। और फिर ये कलेक्शन सेंटर में आपको एनुअल बेसिस पे पता चलेगा कि कितनी टन्स पर एनम ये बैटरीज कलेक्ट हुई है। उसके अलावा है डिसमेंटलर, तो ये डिसमेंटलिंग फैसिलिटी, जो बैटरी को डिसमेंटल किया जाता है, फिर उसमें से कॉम्पोनेंट्स रिकवरेबल रिसाइक्लेबल रीयूजेबल जो कॉम्पोनेंट्स है उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उसके लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस भी होती है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस क्या होनी चाहिए, इसको कैसे फॉलो करना चाहिए, हेल्थ इंपैक्ट जो पर्सन पे हो सकते हैं या ऑपरेटर पे हो सकते हैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, या फिर उसके जो साइंटिफिक प्रोसेस की मेथोडोलॉजीज क्या है उसके गाइडलाइंस ये डिसमेंटलर को दिए जाते हैं। और ये सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना ये डिसमेंटलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो फॉर्म नंबर वन जो एनुअल रिटर्न फाइल होता है वो भी आपको फिल करना है। फिर है कस्टम्स क्लियरेंस, तो यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस नॉर्मली ये इम्पोर्टर के लिए होता है, तो जो न्यू बैटरीज आती है जो इम्पोर्ट होती है उनके लिए है, वैलिड रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है जो RBI के अंडर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे उसका जो इम्पोर्टर्स का कोड और नंबर होता है वो भी आपको लेना है। फिर इसमें CPCB के अंडर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और कुछ एजेंसीज जो होती है वो एजेंसीज थ्रू भी डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है, वो फॉर्म 2C में आपको CPCB में अप्लाई करना है। उसके अलावा जो अंडरटेकिंग होते हैं वो अंडरटेकिंग में आपको क्लॉजेस या टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो फॉर्म 2D में आपको फिलअप करके और साइन एंड स्टैम्प देके CPCB को आपको सबमिट करना है। और जो एनुअल रिटर्न फॉर्म होता है जो फॉर्म नंबर 1 थ्रू ये भी आपको सबमिट करना है। तो ये थी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रूल नंबर 5 और 6 में दी गई थी। 7 रूल है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। तो CPCB जो अपेक्स बॉडी है या फिर SPCB जो नेक्स्ट बॉडी है या फिर कुछ एजेंसीज भी यहाँ पे हो सकती है, तो ये सभी एजेंसीज जो है ये जो रिकॉर्ड्स है बैटरीज के, ये बैटरीज के रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है या फिर जो रिटर्न्स आप फाइल करते हैं उनको भी मेंटेन करना है, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू ही करना है, इसके लिए ये रूल नंबर 7 है। तो बैटरीज का कितना सेल हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, ऑक्शन कितना हुआ है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, रीप्रोसेसिंग बैटरीज कितनी थी, जो रीप्रोसेसिंग बैटरीज थी उसमें से फिर कितना सेल हुआ है, उसमें भी लेट बैटरीज कितनी सेल हो गई है, या फिर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स या इम्पोर्टर्स है वहां पर भी कितना सेल हुआ है, या फिर जो डेटा है तो ये ओवरऑल डेटा आप वैलिडेट कर सकते हैं। और अभी आज कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू भी आप GST रूल्स फॉलो हुआ है या नहीं ये सभी बातें आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सभी रिकॉर्ड्स और जो रिटर्न्स है ये कंप्यूटराइज करने चाहिए, ये रूल नंबर 7 कहता है। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4 और उसका रूल नंबर 8 है प्रोसीजर फॉर सीकिंग ऑथराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये अभी तक हमने बात कही थी कि प्रोड्यूसर को ऑथराइजेशन मिलना चाहिए या फिर जो डीलर है वो रजिस्टर होना चाहिए, तो ये सभी ऑथराइजेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में रूल नंबर 8 में प्रोसेस दी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है उसमें 8.1 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसाइक्लर। तो रिसाइक्लिंग अगर आपको करनी है बैटरीज या बैटरीज कॉम्पोनेंट्स की तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 2C फिलअप करना है और मेंबर सेक्रेटरी को CPCB के या फिर जो एजेंसी होगी CPCB की उस एजेंसी को आपको सबमिट करना है। उसके अलावा जो मेंबर सेक्रेटरी है CPCB का या एजेंसी या ऑफिसर है उनको भी ये फॉर्म चेक करना है, उसमें जो अलग अलग फैसिलिटीज होनी चाहिए या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए या फिर जो इक्विपमेंट वहां पे होने चाहिए रिसाइकलिंग की ओरिएंटेड ये अवेलेबल है या नहीं, ये भी वो MS CPCB का क्रॉस चेक करेगा। उसके अलावा अगर उनको लगता है तो वो जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है तो 90 डेज में
ये वो रिसीव करने के बाद ये कंप्लीट डिटेल्स और उनके भी रिमार्क्स आप उनको रिटर्न दे सकते हैं कि आपका ये रिसाइकलिंग फैसिलिटी सफिशियंट है या नहीं, या फिर आपको इसमें क्या ऐड करना चाहिए या नहीं, ये एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, जो भी आपके रिमार्क्स है ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी अगर फैसिलिटीज आपको मिलती है आप यूटिलाइज करते हैं, और उसके बाद में अगर आपको फिर से कुछ टाइम के बाद रिन्यूअल करना है तो रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी आप फॉर्म नंबर 5 में कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें 6 मंथ्स या फिर एक्सपायरी डेट जो भी होगी आपके रजिस्ट्रेशन की, उस हिसाब से आपको काम करना है रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे रहेगी, मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी या ऑफिसर या एजेंसीज को आपको सबमिट करना है और सिमिलर प्रोसेस वो फॉलो करेंगे और शायद आपको फिर से ये रिन्यूअल हो सकता है। अगर फैसिलिटीज में कुछ चेंजेस नहीं है और सभी फैसिलिटीज सफिशियंट अमाउंट में है तो ये आपको रिन्यूअल इजीली मिल सकता है। इनकेस अगर कुछ इश्यूज होते हैं या फिर ऑब्जेक्शन होते हैं, कुछ कंप्लेंट्स होती है या रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है तो यहाँ पर वो रिजेक्शन भी हो सकता है। तो ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी ऑफिसर या एजेंसीज की है, जो इजिली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, पब्लिक थ्रू भी कर सकते हैं, फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जो भी डेटा प्रोवाइड किया है वो भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये जो फैसिलिटी है रिसाइकलिंग की उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। अगर इनकेस वहां पे रिजेक्शन होता है या रिन्यूअल रिफ्यूजल होता है तो ये मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी को या एजेंसीज को ये अपील कर सकते हैं कि ये हमारा क्लैरिफिकेशन है, इसके बेसिस पे आपको ये रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए। तो ये विद इन 30 डेज में जो अपील करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और उसके बाद में डिसीजन होगा। इसमें 8th रूल है, सब रूल EPR ऑथराइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो जो अभी हमने बात की थी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऑथराइजेशन के लिए आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो फॉर्म नंबर 3 है रूल नंबर 522 उसके रिलेटेड आपको विद इन 3 मंथ्स में ये कंप्लीट करके सबमिट करना है, और उसके बाद में अगर आपको परमिशन मिलता है तो परमिशन मिलने के बाद नॉर्मली ये 5 ईयर्स तक ऑथराइजेशन होता है। इनकेस कुछ ऑब्जेक्शन या कैंसिलेशन प्रोसेस होती है तो उसके पहले भी आपको ये शायद प्रोसेस रीप्रोसेस करना पड़ेगी। तो नॉर्मली अगर ये आप मान के चलेंगे कि ये नॉर्मल प्रोसेस है तो 5 ईयर्स तक आपको EPR ऑथराइजेशन भी मिल जाएगा। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, जो भी एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट को आपको रिफ्यूज करना है या फिर उसको ग्रांट करना है, ये उनकी ऑथराइजेशन है। तो ये उनके पावर्स है, इसके बेसिस पे भी ये फाइनलाइज कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी अगर मॉनिटरिंग में कुछ ऑब्जेक्शनेबल इश्यूज आते हैं तो वहां पर भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर आपका जो परमिशन है वो भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे चलती है तो जो भी एक्सपायरी डेट होगी या फिर मिनिमम 60 डेज का टाइम है उसके बाद में भी आप सीपीसीबी या एसपीसीबी को आप रिन्यू के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और फिर आपको वापस से रिन्यूअल भी मिल सकता है। तो जो भी प्रोड्यूसर होता है बैटरी के लिए या फिर जो इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग जो प्रोड्यूस करने वाले कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो इसके लिए ये EPR ऑथराइजेशन चाहिए आपको, और ये ऑथराइजेशन मिलने के बाद आप इजीली जो भी कॉम्पोनेंट्स या बैटरीज प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 8.3 है ऑथराइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर या असेंबलर या रिकंडीशनर। तो हमने जो अभी तक बात कही थी अलग अलग जो फॉर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म 2A है जो SPCB को फिलअप करना है विद इन 3 मंथ्स ऑफ पीरियड, उसके अलावा जो ऑथराइजेशन अलग अलग है जैसे कि यहाँ पे फॉर्म 2B है, तो ये फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 2C ये अलग अलग फॉर्म्स है जो मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर असेंबलर या रिकंडीशनर्स के लिए अथॉरिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको SPCB, CPCB या उनके जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू आपको सबमिट करना है और उसके बाद में वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आपका जो अथॉरिटी मिलेगा वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप
काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसका रिकॉर्ड आपको फॉर्म सिक्स में मेंटेन करना है। तो ये अलग अलग जो ऑथोरिटीज है उनकी ये प्रोसीजर्स है। तो ये सभी एसपीसीबी और सीपीसीबी के अंडर आती है।